अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहसिन शहजाद। शोबिज़ की दुनिया से गर्मा गर्म खबर। अदाकारा राखी सावंत ने अपनी शादी के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया। इनके शोहर कौन है और क्या काम कर मुंबई बॉलीवुड की स्कैंडल क्वीन राखी सावंत ने अपनी शादी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा राखी सावंत ने अपनी शादी की तस्दीक करते हुए कहा कि वो हाल ही में निजी तकरीब में शादी के बंधन में बंधी हैं और इनके शोहर भारतीय इंसान बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया में मुकीम हैं। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते राकेश सावंत की शादी खबरें मंजर आम पर आई थी, लेकिन उन्होंने इस खबर को झुठलाते हुए कहा था कि उन्होंने इश्तहार के लिए शादी का फोटो शूट करवाया है। लेकिन अभी राखी का इस हवाले से कहना है कि मैं डर गई थी और आज मैं इस खबर की तस्दीक करती हूँ कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। राकेश सावंत ने अपने शोहर के मुतल बताते हुए कहा कि इनके शोहर का नाम प्रतेश है और वो बरतानिया में मुकीम है। वो पहले ही वहाँ जा चुके हैं और मेरा वीज़ा तैयारी के मरहल में है, मैं जल्द ही इनके पास पहुँच जाऊँगी। शादी के बाद काम करने से मुतल राखी का कहना था कि जब भी मैं भारत आऊँगी मैं अपना काम जारी रखूँगी। राखी ने कहा कि मैं हमेशा से टीवी शो पर वीडियोज़ करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मेरा देरीना ख्वाब अब पूरा होगा। खुदा ने मुझे अब बहुत अच्छा शोहर दिया है। राखी ने मजीद बताया कि इनके शोहर ने जब इनका इंटरव्यू टीवी पर देखा था वो इनके मदा हो गए थे। बाद में हमारा रब्ता हुआ और हम अच्छे दोस्त बन गए। रितेश को जानने के बाद मैं इसकी बीवी बनने की दुआ करती थी और मेरी वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई, खुदा मुझ पर मेहरबान है। वाजह रहे कि गुज़श्ता माह राखी सावंत की कुछ तस्वीर और वीडियोज मंज़रे आम पर आई थी, जिनमें उन्होंने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, चूड़ियाँ पहनी हुई थी और माथे पर सिंदूर भी लगाया हुआ था। राखी सावंत की यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई थी। ताहम राखी ने अपनी शादी की तकरीर करते हुए कहा था कि उन्होंने ब्राइडल शूट के लिए ये सारा एहतमाम किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, इससे क्या होगा जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका बदले नोटिफिकेशन आपको उसकी इतला मिलेगी।